दुनिया के सबसे सुंदर जानवर में से एक पांडा के बारे में आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा। यह जानवर अपने क्यूट लुक के कारण जाना जाता है। यह सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं। यह चीन के मूल निवासी है और यह चीन के बांस के जंगलों में पाए जाते हैं। यह ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होते हैं, लेकिन इनका कलर बचपन से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जब यह जन्म लेते हैं तब इनका रंग गुलाबी होता है और इनका वजन मात्र 150 ग्राम होता है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनका वजन 100 से 150 किलोग्राम तक हो जाता है और इनकी हाइट 4 से 6 फीट तक हो जाती है। यह आमतौर पर बांस खाना ही पसंद करते हैं। इनका 99% खाना बांस ही होता है। कहा जाता है कि पांडा 10 से 38 किलो तक बांस खा सकते हैं। माना जाता है कि यह अपने जीवन का आधा हिस्सा खाने में ही बिता देते हैं। यह बड़े ही आलसी किस्म के होते हैं। हालांकि ये पेड़ पर चलने और तैरने में माहिर होते हैं। इनमें एक चीज़ बहुत अलग होती है, रिस्ट बोन। इनकी कलाई से निकली ये हड्डी इनके लिए इनके अंगूठे का काम करती है, जिससे इन्हें खाने में काफ़ी मदद मिलती है। वैसे तो सर्दियों में अक्सर भालू हाइबरनेशन में चले जाते हैं। कुछ जानवरों के लिए ठंड में खाना ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ ठंड से बचने के लिए किसी गर्म जगह पर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में वहाँ अपनी शारीरिक गतिविधि धीमी कर लेते हैं, जैसे दिल की धड़कन, शरीर का तापमान आदि क्रियाएं धीमी हो जाती है और वहाँ गहरी नींद में चले जाते हैं और वसंत में ही उठते हैं। लेकिन जायंट पांडा हाइबरनेट नहीं करते, क्योंकि ठंड से बचने के लिए उनके पास मोटे ऊनी कोट होते हैं। जायंट पांडा की लाइफ स्पैन 20 से 30 साल की होती है, पर कुछ इससे ज़्यादा भी जी लेते हैं। हिमालय की दक्षिणी चोटियों, दक्षिणी पश्चिम चीन, सिक्किम, असम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में इसी का एक रिश्तेदार लाल पांडा देखने को मिलता है, जो दिखने में रैकून जैसा लगता है। इसलिए वैज्ञानिकों में इसको लेकर विवाद भी था कि पांडा आखिर भालू है या रैकून, लेकिन आखिर में पांडा को भालू की कैटेगरी में रखा गया। लाल पांडा मुलायम टहनियाँ, पत्तियाँ, फल फूल, कीड़े पक्षी के अंडे आदि खाते हैं। इसकी हाइट 20 से 26 इंच तक होती है। लाल पांडा चिड़ियाघरों में फेमस है, पर अनफॉर्चुनेटली ये जीव अब लुप्त होते जा रहे हैं। 2008 के बाद लाल पांडा को पशु की लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। जंगलों की कटाई और शिकार के कारण लाल पांडा को IUCN ने 2015 में रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में लिस्टेड किया है। 2000 से भी कम जायंट पांडा अब जंगलों में पाए जाते हैं। बाकी जायंट पांडा चिड़ियाघरों में कैद है। कई संस्थाएं और योजनाएं पांडा के संरक्षित करने में जुटी हुई है। आशा करता हूं कि इंसान अपने आप को सुधारेगा और जंगल में पांडा की आबादी फिर से बढ़ेगी और फ्यूचर में लोगों को पांडा देखने को जरूर मिलेगा।